तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीके से पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 15 बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स। तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं कमेंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ। कमेंट पे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं मैं उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, बस थोड़ा लेट हो जाता है। मैं ढूंढता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ। कोई कोई तो ऐसा टॉपिक आता है भाई जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इतना हाइपर मत होइए और आराम से मुझे कमेंट कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है? और आपको मतलब बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कीजिए और मैं वहीं पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बस सिंपल सा वर्क है। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ 15 बैटल रॉयल गेम्स। आपको यहाँ पे मैं नाम बता दूंगा सिंपल तरीके से, ज्यादा मैं फंक्शंस नहीं बताऊंगा। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे तो मैं वो रिक्वायरमेंट्स लिख दूंगा। बस मैं 15 को नाम बताऊंगा, आप इतना मत सोचिएगा मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो कंप्लीट करूंगा। अगर आपको किसी के बारे में पर्सनल में जानना है या कुछ डिटेल्स में जानना है या एक पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बस उस गेम का नाम लिखिएगा और आप लिख दीजिएगा भाई मुझे इसके बारे में पर्सनल में या एक पूरा वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, और इसके बारे में मुझे पूरा सीखना है, तो मैं A to Z उसके बारे में पूरा सिखा दूंगा आपको। और जल्दी ही गेमिंग चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला हूँ, तो आप चाहो तो गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा गेमिंग चैनल का नाम है गेमबाज पीयूष और नाम भी चेंज हो सकता है, शायद से मैं नाम चेंज करूंगा या शॉर्ट करूंगा इस नाम को। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला गेम जो आता है उसका नाम है वेलोरेंट। तो ये एक पीसी में चलने वाला गेम और ये मेरा अभी फेवरेट गेम बना हुआ है, बहुत मस्त गेम है। अभी मैं खेल रहा हूँ अपने न्यू पीसी में और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैं जल्दी आपको मतलब बना दूंगा एक वीडियो, अगर आप चाहते हो तो, कि मैं कौन से लैपटॉप में या पीसी में खेल रहा हूँ अभी। और इसका जो भी मतलब क्या बोलते हैं, इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट जो भी है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट यही है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, आप इससे ज़्यादा ही रखिएगा, इससे कम मत रखिएगा, ठीक है? इससे कम रखिएगा तो नहीं चलेगा ये गेम। और ये बहुत अच्छा गेम है और बहुत मस्त गेम है, जो लोग मतलब लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और स्ट्रीम तो आप इस पे बहुत तगड़ी कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड गेम की ओर। तो हमारा यहाँ जो सेकेंड गेम है उसका नाम है फ्री फायर। और बेसिकली आप लोग में से जो भी मतलब अभी स्ट्रीमर हो या गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो या गेम खेलना पसंद करते हो, उन्हें इस गेम के बारे में पता होगा। और ये एक बहुत छोटा सा गेम है, कोई बड़ा गेम नहीं है, बहुत अच्छा गेम भी है। मतलब एक मान के चल सकते हो, जो लोग पबजी या बहुत बड़े बड़े गेम्स नहीं खेल पाते वो ये गेम खेल के भी अपना चैनल ग्रो करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स इस गेम से ग्रो हुए हैं, तो आप ये गेम भी ट्राई कर सकते हो। तो अब हमारा जो थर्ड नंबर वाला गेम है उसका नाम है कैनी वेस आउट। तो ये गेम आप जाके पीसी में सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिनिमम इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है और इससे कम तो रखिएगा ही मत, ये मिनिमम है, आप इसे ज़्यादा ज़रूर रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर वाले गेम की ओर। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ नंबर वाला गेम है वो है BGMI, और आप कोई और कंट्री में हो तो वहाँ पे पबजी में भी चल रहा हो, या मतलब BGMI, पबजी, पबजी PC यही सब। यहाँ पे अगर आप PC में खेलना चाहते हो तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ पबजी मोबाइल का, BGMI का पबजी मोबाइल का जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मोबाइल में भी खेल सकते हो पबजी मोबाइल को, लैपटॉप या पीसी में भी खेल सकते हो, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट। पबजी PC खेलना है तो उसके लिए भी 1 से 2 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही, और मिनिमम आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास 8 GB रैम है और आपके पास 2 से 3 GB का ग्राफिक कार्ड है तो आप उसमें कोई भी गेम खेल सकते हो, और इंटेल का i5 प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल का, तो आप कोई भी गेम जल्दी से खेल ही सकते हो, सारे ग्राफिक्स वाला गेम खेल ही सकते हो, ऊपर नीचे ग्राफिक्स करके खेल सकते हो, यहाँ तक कि GTA 5 भी। मैं अपने जो लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगरेशन जब आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि इसमें कैसे इतना सारा चीज़ चल रहा है। तो चलिए हम तब तक जान लेते हैं अपने फिफ्थ नंबर वाले गेम की बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ नंबर वाला गेम है उसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। तो ये एक पीसी में मतलब अभी तक पीसी में आया हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद अभी मोबाइल में आ गया होगा, आप जगह चेकआउट कर लीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब मोबाइल में आया है कि नहीं आया है। तो इसका जो पीसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, बस ये इससे कम नहीं होना चाहिए। ये इतना तक भी है तो एंड टू एंड चल जाएगा, लेकिन इससे कम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट होता ही है, मतलब इतना रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है किसी भी मतलब ग्राफिक्स वाले गेम को खेलने के लिए, और यहाँ पे Windows 7 में भी ये चल जा रहा है। और यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे कि ये पबजी जैसा आपका लगेगा और पबजी जैसा ये गेम है, तो आप एक बार इसको चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा गेम है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सिक्स्थ नंबर वाले गेम की ओर।
तो यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर वाला गेम है उसका नाम है फोर्टनाइट, और ये बेसिकली बहुत अच्छा गेम है और अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये एक बैटल रॉयल गेम है, ये इतना अच्छा है कि कितना अच्छा है, आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाकेगा खेलिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका अगर आप पीसी रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हो तो इसका पीसी रिक्वायरमेंट्स अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही है इसका पीसी रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम मत रखिएगा, वरना बहुत लैगी चलेगा या अच्छा से नहीं चलेगा। और अगर आपको इसको सपोर्टेबल डिवाइसेज में डाउनलोड करना है, मोबाइल में सपोर्टेबल डिवाइसेज में, तो आपको चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड फोर्टनाइट, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। तो चलिए हम चलते अपने 7 नंबर वाले गेम की ओर। अब हमारा जो 7 नंबर वाला गेम है उसका नाम है बैटल लैंड्स रॉयल। तो ये गेम थोड़ा सा आपको बच्चा टाइप से लगेगा लेकिन ये गेम भी बहुत अच्छा है। और अगर अभी आप 10th क्लास या मतलब अभी अच्छे से, मतलब आपको बैटल रॉयल गेम्स खेलने नहीं आया है लेकिन आप खेलना चाहते हो वैसा वैसा कोई गेम, तो ये गेम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको इसका मिनिमम, मतलब अगर पीसी रिक्वायरमेंट्स जानना है, तो इसका मैं अब यही बोलूँगा कि पीसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मोबाइल के लिए बना हुआ गेम है, मोबाइल में आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मोबाइल के लिए जो इसका रिक्वायरमेंट वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे तो सारा बैटल रॉयल गेम्स जो भी मोबाइल में आ जाता है वो हर मोबाइल में चल ही जाता है, बस 4 GB का रैम रखिएगा और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज तक रखिएगा, उससे कम मत रखिएगा तो चल ही जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने 8 नंबर वाले गेम की ओर। तो अब हमारा जो 8 नंबर वाला गेम है वो बहुत फेमस है आप लोग सबके बीच में, जिसका नाम है COD। तो COD मोबाइल के बारे में तो आप लोग जानते हो कि उस डाउनलोड हो ही जाता है सब में ही। और हमारा जो, मतलब अगर इसका पीसी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, मतलब वॉरजोन का जो आप डाउनलोड कर सकते हो पीसी में, पीसी रिक्वायरमेंट्स में, तो वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा ही होगा स्क्रीन पे। और मतलब यही है इसका पीसी रिक्वायरमेंट्स, आप देख सकते हो नॉर्मल। लेकिन इसका है बस यही है कि अगर आपका में 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपका में अच्छा से चलेगा, बस मैं यही एक टिप दूंगा कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तभी अच्छा से चलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने 9th नंबर वाले गेम की ओर। वाला गेम है उसका नाम है जोम्बी रॉयल। तो आप ये गेम मोबाइल में एक बार सर्च करके देख सकते हो कि ये मोबाइल में अभी तक आया है कि नहीं आया है, कि मोबाइल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये पीसी में गेम जो है इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अभी आपको दिख रहा होगा, मिनिमम और रिकमेंडेड आपको दिख रहा होगा सामने में स्क्रीन पे, तो यही है। और बेसिकली इसमें भी बहुत सारे गेम, मतलब ये जो गेम है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको जॉम्बिस को मारना रहता है, मतलब एक बार खेल के देखिए, हर एक गेम को एक बार खेल के देखिए, अगर आपके पास इक्विपमेंट है टाइम है तो आप खेल के देखिए। और गेमर को हर एक गेम खेल के देखना चाहिए, उसी के बाद उसको बताना चाहिए कि कैसा गेम है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। किसी का सुन के या मेरा खुद का सुन के भी आपको एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहिए, पहले आप खुद खेल के देखिए उस गेम को, तब मुझे बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इन 15 गेम्स में से कौन सा गेम अच्छा लगेगा, या कौन सा गेम आपके पास है, या आप कौन सा गेम बहुत पसंद करते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने 10th नंबर वाले गेम की ओर। तो यहाँ पे हमारा जो 10th नंबर वाला गेम है वो एक, मतलब बैटल रॉयल गेम भी नहीं है उतना अच्छा से, लेकिन ये गेम अगर आप खेलोगे, अगर आपके पास पीसी है और आप उसमें ये गेम खेलोगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो होने वाला है ना वो बहुत भयानक होने वाला है। और आप अगर इसका लाइव स्ट्रीम करोगे तो मैं गारंटी देखता हूँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और यहाँ पे अगर आप इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट का बात करो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही है इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। और एक बात बताता हूँ, ये गेम मतलब फाइटिंग सीन वाला है, दो बॉक्सर्स लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, फाइट सीन करते हैं, बहुत अच्छा गेम है, आप एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत मस्त ग्राफिक्स है इसके। तो चलिए हम चलते हैं अपने 11th नंबर वाले गेम की ओर। तो अब हमारा जो 11th नंबर वाला गेम है उसका नाम है एपेक्स लेजेंड। ये बहुत सारे ट्रेंडिंग गेम्स वाले वीडियोज में आ चुका है मेरा, और ये बहुत अच्छा गेम है, अगर आप चाहते हो तो इसे ट्राई कर सकते हो, अगर ट्राई करके देखिए अगर आपने अभी तक इस गेम को नहीं खेला है। और अगर आप इसको पीसी में डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इससे कम मत रखिएगा, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम रखिएगा, तो ये बहुत लैग करके चलेगा, अच्छा से चलेगा नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने 12th नंबर वाले गेम की ओर। तो अब हमारा जो 12th नंबर वाला गेम है उसका नाम है हीरो हंट्स। तो ये बहुत मतलब एकदम मस्त गेम है, आप एक इसको खेल के देखिएगा, मैं यही बोलूंगा इसमें, बस एक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस गेम को खेल के देखिए। और जब आप इस गेम को खेलोगे पीसी या मोबाइल में कहीं पे भी, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये गेम है तो रापचिक गेम है, एकदम मतलब मस्त गेम है, मजा आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने 13th नंबर वाले गेम की ओर। अब हमारा जो 13th नंबर वाला गेम है उसका नाम है बैड लैंडर्स।
तो ये एक बार गेम खेल के आप देखिएगा, तो ये बहुत अच्छा गेम है। और इसका अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ, आप एक बार जाके इस गेम को खेल के देखिए इस गेम को। और ये गेम मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, पबजी उबजी से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने का, क्योंकि एक बार बेसिकली मान के चलिएगा तो ये गेम का जो मतलब अगर आप मोबाइल में खेल रहे हो इस गेम को, तो इसका शायद 1 से या 2 GB है इसका मतलब क्या बोलते हैं डाउनलोड। और ये बहुत मतलब एक वो अच्छा गेम भी, और इसका स्टोरेज भी बहुत कम है, इसीलिए मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अगर इसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने 14th नंबर वाले गेम की ओर। तो अब हमारा जो 14th नंबर वाला गेम है वो मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफ़र किया था, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई और गेम्स मुझे नहीं मिल रहे, तो उसने मुझे एक रेफ़र किया था जिस गेम का नाम है स्कार फॉल। तो ये गेम भी बहुत अच्छा गेम है, मतलब मेरे दोस्तों ने तो यही बोला, तो आप एक बार इसको चेकआउट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे DM करके बताइए कि आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो। और ये मतलब एक आप मान के चलते होते हो कि ये मोबाइल में ही आपको मिलेगा, अगर आपको ये लैपटॉप के अंदर मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी सर्च करके देखूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने लास्ट और 15th नंबर वाले गेम की ओर। तो अब हमारा जो लास्ट नंबर वाला गेम है, बेसिकली मेरे जो भी वीडियोज़ है या जो भी व्यूवर्स है उन लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास मुझे नहीं लगता कि PC होगा या लैपटॉप होगा इतना बड़ा लैपटॉप कि जिसमें हर एक गेम चल जाए। तो इसीलिए मैं एक गेम लेके आया हूँ जिसका नाम है मॉडर्न स्ट्राइक। तो ये गेम सिर्फ मोबाइल में चलता है, अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो इम्यूलेटर से, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ये गेम डाउनलोड करके आप खेल सकते हो। कोई रैंडम गेम मतलब फ्री फायर पबजी या COD को छोड़ के अगर आप खेलना चाहते हो कोई बैटल रॉयल गेम, तो ये बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करके देखिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन सब गेम्स के बारे में से एक भी गेम के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दिया, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer.